हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत प्यारी सी बूटीज लेके आए हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत कम समय में बनके रेडी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इसको हम 6 मंथ के बेबी से लेके 1 ईयर बेबी के बेबी को आराम से आ जाएगी। ये हम 2 कलर से बनाएंगे, आप चाहो तो इसको 1 कलर से भी बना सकते हो। और इसको बनाने के लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्रोशिया लिया है मैंने 14 नंबर का, और ब्लू कलर का ऊन लिया है मैंने। ये सिलने के लिए सुई ली है, और ये 2 कलर का ऑरेंज और ब्लू 2 कलर का ऊन लिया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 30 चैन बुनेंगे। इस तरह से ये फंदा लेंगे हम इसमें क्रोशिया में। ये देखिए इस तरह से, अब इसमें 30 चैन बुनेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी 30 चैन बुन के कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मुझे पहले 2 चैन लेनी है, फिर उसके बाद 1 चैन है उसको छोड़ के दूसरी वाली चैन में मुझे डबल क्रोशिया बुननी है। इसी तरह से जो 30 चैन ली है उस पूरी 30 चैन में डबल क्रोशिया बुनना है। इस तरह की मुझे 2 रो कंप्लीट करनी है ब्लू कलर से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डबल क्रोशिया हम 30 चैन में बुनते जाएंगे। एक बल लेके पहले एक बल लेते हैं, फिर उसमें बुन देते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसको इधर से पलट दिया मैंने, 2 चैन बुनी है। जैसे मैंने फर्स्ट रो में किया था, 1 चैन छोड़ के दूसरी चैन में, उसी तरह से ये सेकेंड वाली रो में भी करना है मुझे। 1 चैन छोड़ के दूसरी चैन से बुनना है मुझे। 30 चैन है, 300 चैन में डबल क्रोशिया बुनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ब्लू कलर से 2 रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब हम इसमें ऑरेंज कलर अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए ये इसको इस तरह से पकड़ेंगे हम, और पीछे से ये धागा आगे कर लेंगे इस तरह से। फिर इसमें हम 2 चैन बुनेंगे ऑरेंज कलर से। चैन बुनने के बाद फिर हम 1 चैन छोड़ के दूसरी वाली चैन में डबल क्रोशिया बुनेंगे। इसी तरह से जो 30 चैन बुनी है मैंने, 30 चैन में डबल क्रोशिया बुनेंगे। जैसे मैंने ये ब्लू वाली रो 2 कंप्लीट करी है, उसी तरह से हम ऑरेंज वाली 2 रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ऑरेंज कलर से भी 2 रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑरेंज कलर की 2 रो कंप्लीट करके अब ब्लू कलर से 2 रो बनाएंगे।
फिर उसके बाद दो रो ऑरेंज कलर से। इस तरह से मुझे 8 रो कंप्लीट करनी है, दो ऑरेंज की, दो ब्लू कलर की। ये 30 चैन है, 30 चैन में डबल क्रोशिया बन के कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपनी 8 रो कंप्लीट कर ली है, दो ब्लू कलर से, दो ऑरेंज कलर से, दो ब्लू कलर से, फिर दो ऑरेंज कलर से। इस तरह से मैंने अपनी 8 रो कंप्लीट कर दी है। अब ये धागा जो है इसको हम काट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑरेंज कलर की 2 रो कंप्लीट कर ली है, टोटल मेरी 8 रो हुई है। अब हम इसका ये ब्लू वाला जो हिस्सा है उसको बनाएंगे। जो मेरी टोटल 30 चैन है उसमें से हम 10 उस साइड छोड़ देंगे और 10 इस तरफ छोड़ देंगे। बीच के जो 10 चैन है उसमें हम ब्लू कलर से 8 रो बनाएंगे। ये धागा इसे डालेंगे, फिर इसमें 2 चैन लेंगे इस तरह से। बीच में जो 10 चैन है उन पे मुझे बुनना है, डबल क्रोशिया बुनेंगे हम। वन टू थ्री फोर नाइन और 10। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 10 चैन है उसमें डबल क्रोशिया बुन लिया है। इस तरह से हम, अब ये मैंने 2 चैन ली है, इसी तरह से हम ये ब्लू कलर का जो बुना है हम इसको बुनेंगे। इसकी मैंने 8 रो निकाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब 2 चैन ली है। जैसे मैंने नी ये फर्स्ट रो बुनी थी उसी तरह से मुझे सेकंड वाली भी रो कंप्लीट करनी है। टोटल मुझे इसकी 8 रो कंप्लीट करनी है डबल क्रोशिया बुन के। उसके बाद हम फिर 2 रो ब्लू कलर से निकालेंगे, फिर दो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 8 रो बुन के कंप्लीट कर ली है। ये नीचे वाला धागा जो है ब्लू कलर वाला, इसको ऐसे निकाल लेंगे, 2 चैन लेंगे। अब ये 10 मुझे 10 चैन जो बची थी मेरी, छोड़ी थी मैंने, उसको डबल क्रोशिया बुनना है ऐसे। 10 चैन जो थी मेरी उन्हीं में डबल क्रोशिया बुनना है। फिर ये 10 चैन मैंने ऐसे बुनी है। अब हम इसमें डालेंगे ये ऐसे करके, ऐसे। अब इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे करके बन लेंगे। फिर ये ऐसे इधर से ये ऐसे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से फंदे उठा लिए। अब इधर से बुनेंगे, फिर ऐसे इधर से उठाएंगे, फिर ऐसे उठाएंगे।
जैसा मैंने इधर बुनाया फ्रेंड्स इस साइड, उसी तरह से मुझे इधर ऐसे बुन के यहां तक लाना है। ये ब्लू की रो कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, जैसा मैंने इधर बुना था, दो रो इसकी, फिर दो इसकी, इसी तरह से मुझे इधर बुनना है जैसे मैंने इसमें बुना है। ये दो रो ब्लू कलर से बुनी है मैंने, फिर दो ऑरेंज कलर से, उसके बाद दो ब्लू कलर से, इसी तरह से मुझे अपना पूरी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा इस तरह के बुनके आएगा। ये यहाँ से मैंने ये फंदे उठाए हैं, तो इस तरह से बुनके आ जाएगा, ऐसे बनेगा। ये मैंने दो रो ब्लू कलर से निकाल लिए, अब दो रो हम ऑरेंज कलर से निकालेंगे इसी तरह से ऐसे, और फिर दो ब्लू कलर से। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ऑरेंज कलर से दो रो बनाएंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी बूटी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसको उल्टी तरफ से सिलेंगे हम ऐसे, इधर से पकड़ के ये ऐसे पलट देंगे इसको। आप ये यहां से ऐसे सिल देंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से सिला जाएगा ये ऐसे। ये इसमें ये गांठ लगा देंगे यहाँ पे ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार इधर सिलेंगे ऐसे, और एक बार हम इधर सिलेंगे इस तरह से, फिर एक बार इधर सिलेंगे और एक बार इधर से। इस तरह से मेरी बूटी सिल के तैयार हो जाएगी। मेरा सॉक्स बनके कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों बूटीज बनके कंप्लीट हो गई हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।